मेरे बड़े भाई जो है वो मूक बधिर थे, उनकी ट्रेन हादसे में मौत हो गई। और 1997 में उनकी डेथ होने के बाद मैंने पूरा संकल्प लिया कि मैं इन लोगों के लिए काम करूंगा जो बोल और सुन नहीं सकते। भारत में करीब 78 लाख मूक बधिरों की आबादी है और इनकी कोई लैंग्वेज समझने वाला नहीं है। इनके दो दुख दर्द हैं, उनको कोई नहीं समझ पाता। आज तक अभी तक यही होता आया कि एक बेचारा शब्द लगा दिया जाता था और आगे कुछ नहीं होता था। इसी तरह से हम लोगों ने पुलिस थाने की शुरुआत की, क्योंकि पहले कई ऐसे अपराध 376 के मामले रेप से संबंधित बहुत होते थे, खासतौर पर देहाती मूक बधिर महिलाओं के साथ, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पाती थी। तो हम लोगों ने ये थाना तुकुगंज इंदौर में शुरुआत की। हिंदुस्तान और एशिया का पहला थाना है जहाँ पे कि साइन लैंग्वेज में कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। इसमें हमने करीब 125 कंप्लेंट अभी तक अटेंड की, जिसमें से करीब 15 में सजा भी हो चुकी है। तो हम लोग पुलिस थाने से के अलावा कोर्ट में भी जाके इनका मदद करते हैं ट्रांसलेशन करके। हम लोग डॉक्टर और ऑडियोलॉजिस्ट के पास गए थे, उनसे बात भी हुई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, शनिवार को 8 अगस्त को हम लोग मिलते हैं। तो मैंने सारे निमाड़ के मूक बधिरों को बता दिया, उनके पेरेंट्स को, कि आप लोग आ जाओ, ऑडियोमेट्री हो जाँच होगी।